नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही शक्तिशाली अचूक प्रयोग के बारे में, जिसको करने से दुर्भाग्य बहुत ही जल्दी दूर होने लगता है। इसके साथ ही आपको सभी कार्यों में सफलता भी मिलने लगती है। काफी बार ऐसा होता है कि जब अच्छा समय आता है तो सभी कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एकदम से बुरा समय आता है। जब भी वह आता है तो आसानी से बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ता। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें अपने दिमाग को शांत रखने की, ऐसी स्थिति में दिमाग शांत रह ही नहीं पाता। कितनी भी आप सोचेंगे पॉजिटिव रहने के लिए कि मैं अब पॉजिटिव रहूं, सिर्फ सोचकर ही शांत रह सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपका दिमाग कभी भी आपका दिमाग शांत नहीं रह पाता है। ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास ही मौजूद रहती है, और ऐसी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए आज हम आपको कुछ टोटका बताने वाले हैं। काफी बार लोगों की जिंदगी में मुश्किलें सिर्फ पितृदोष के कारण होती हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी चलती रहती है, या फिर उनका कोई भी व्यापार होता है तब वह भी उनका व्यापार सही से नहीं चल पाता है। यह काफी बार पितृदोष के कारण होता है। लेकिन इसके साथ अगर राहु केतु के दोष में भी आपकी कुंडली में है तो फिर आपको अपने साथी से किसी प्रकार का, या फिर पार्टनर से, किसी जीवन साथी से आपको किसी प्रकार का धोखा मिलने का योग बनता है, क्योंकि राहु केतु ऐसी स्थिति बनाते हैं जिससे व्यक्ति अपना खुद का ही दुश्मन हो जाता है, पागल से अपने आप को महसूस करने लगता है। वह कुछ भी करना चाहता है लेकिन कुछ भी सही नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को कोसना बंद नहीं करता है। रात को जब वह सोता है तो लगातार उसे बेचैनी होती रहती है। इन सब चीजों के चलते दुर्भाग्य आपके पीछे लग जाता है, जो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होने देता है। लेकिन दोस्तों, जो उपाय आज हम आपको बताएंगे वह आपको बिल्कुल सही से समझकर अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित ही आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। यह आपको बिल्कुल सुबह के समय करना है, यानी कि जब भी आप किस भी समय आप जागते हैं तो सबसे पहला काम आपको यही चीज करनी है जो आज हम आपको बताएंगे। इन चीजों को अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। इसके साथ ही पितृदोष भी दूर हो जाएगा, राहु केतु से भी आपको सफलताएं मिलने लगेंगी। दोस्तों, आपको करना यह है कि जब भी आप रात को सोते हैं तो आपको कोई भी एक बर्तन ले लेना है, स्टील का हो, लोहे का हो, तांबे का हो, या किसी भी प्रकार की धातु का बर्तन आपको ले लेना है। इसमें आपको एक चम्मच चीनी डालनी है और आपको लगातार 11 दिन तक यह कार्य करना है। इसमें ध्यान रखें कि जैसा भी बर्तन आप लेंगे, आपको ऐसा बर्तन लेना है जिसमें आप अच्छी तरह से आप उसे बंद कर सके, यानी ढक सके। ऐसा बर्तन लेने के बाद आपको इसमें हर रोज एक चम्मच चीनी डालनी है। यह प्रयोग 11 दिन तक करना है। एक दिन के लिए एक ही चम्मच उस बर्तन में चीनी डालनी है और आपको उसे अपने सिरहाने रख करके सोना है। जिन लोगों के पास सिरहाने रखने की कोई जगह नहीं है, वह इस चीज को अपने तकिए के नीचे रखकर भी सो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सोएंगे तो आपको अपने पैरों को धोकर के सोना है, और सुबह उठते ही सबसे पहले बिना किसी से बात किए, बिना कुछ किए, अपने दोनों हाथों को जोड़कर हथेलियों को देखना है, और इस बर्तन को उठाकर इसमें जो आपने एक चम्मच चीनी डाली थी उसको अपने किसी भी चींटियों के पास डाल देना है। आपके आसपास चींटियां होना लाजमी है, या फिर कहीं भी आपने छत पर या पेड़ के नीचे या उसके आसपास आप इसको डाल सकते हैं। आपको आसानी से चींटियों का बिल कहीं भी मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहला कार्य यही करना है कि यह एक तो चीनी अपने रात को डाली थी जो उस बर्तन में, आपको सुबह इसे चींटियों को देना है, या फिर जहां भी आपको बहुत सारी चींटियां दिखती हैं वहां पर उसके पास इसे डाल दें। किसी भी परेशानी में फंसे हो, उसी एक परेशानी के लिए आपको लगातार 11 दिन तक यह कार्य करना है। इस उपाय को 11 दिन के बाद दोबारा भी किया जा सकता है, और किसी भी मुश्किल में फंसे हुए हो, कोई भी परेशानी हो, आपका कार्य नहीं बन रहा हो, या कोई भी कार्य अटका हुआ है, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। जिस प्रकार हमने आपको बताया है
उसी प्रकार आपको करना है, आपको सिर्फ मेटल के बर्तन का ही प्रयोग करना है। मेटल के बर्तन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का मेटल हो लेकिन मेटल का ही बर्तन होना चाहिए, जिससे आप आसानी से बंद कर सकें, जिसमें चीनी नीचे ना गिरे। और सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको यह करना है कि चींटियों के बिल के आसपास आपको ये चीनी डाल देनी है। इसी प्रकार 11 दिन तक आप ये कार्य करते रहें। ऐसा करने से निश्चित ही सफलता मिलती है और आपको अपने पितरों से सहायता प्राप्त होती है। साथ ही राहु केतु भी आपके फेवर में आते हैं और आपकी सहायता करते हैं। यह बड़ा ही अचूक प्रयोग है जिसका आप निश्चित ही फायदा उठा सकते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इससे कुछ हमसे कुछ पूछना है इस जानकारी के बारे में, तो आप कोई भी विशेष समस्या आप यदि है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम हर कमेंट का जवाब देते हैं और आपकी सहायता जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके पास वाले बेल के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।